बखिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें रहाम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया और आदा, आदाबास्म मुंशी अब्दुलरमान मुल्तानी रहमत की तस्फ़ है कि जिसको मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुझ्त शफ़ी साहब रहमत बहुत पसंद फरमाया इस तारीफ़ को और अपाबल इस्लाम नाम जो उन्होंने अपने तौर पर अपनी किताब का तजी फरमाया था हमने इस किताब का नाम आदाबलम रख के जो है बरकत हासिल की है तो इन श्ला आदा उसके आदाब हम पढ़ते हैं और ज़हर के मुशरत के आदाब हैं और मुशरत के आदाब मोमिन के अंदर आना बहुत ज़रूरी हैं तो आदाब कलाम की गुफ्तु चल रही थी कलाम के आदाब छः आदाब बयान हो चुके थे आज जो है नंबर सात जो है हम आदाब कलाम पढ़ते हैं नंबर सात अपनी ज़बान की हिफाजत करें उसे रास्त गुफ्तारी का आदि बनाए जहर के ज़बान की हिफाजत जो बहुत बड़ी दौलत है और फिर ये कि उसको सच्चाई का आदि बनाए झूठ ना बोले सच बोलने का आदि बनाए। नंबर आठ झूठ और मुबालगा आमेजिश ना करें यानी बात में झूठ ना मिलाए और मुबालगा ना करें जरूर से ज़्यादा इसलिए कि अल्लाह तबारक व ने निगरान मुकर कर रखे हैं जो हमारे एक एक लफ्ज को जो नोट कर रहे हैं अगर हमने मुबालगा किया तो कल रोज़ क़्यामत में क्या जवाब देंगे इसलिए मुबालगे की कोई ज़रूरत नहीं जो साफ सीधी सच्ची बात हो उसको पेश कर दें उसका कुछ भी रद्द ज़ाहिर हो वो अल्लाह तबारक वालोत कर दें नंबर नौ इतनी बात पर इतफा करें जिससे इजार नुकसान और नफ़ा की उम्मीद हो भाई इतनी बात करें कि जिससे यह कि नुकसान दफा हो और नफ़ा मिले क्योंकि जलब मनफियत और दफा मजरत नफ़ा हासिल करना और नुकसान को दफ़ा करना बस ये मतलूब हो तो बात जो है उतनी बात करे इससे ज़्यादातर इकतफा न करें नंबर दस ऐसी बात ना कहे कि जो दिल में मौजूद ना हो कि ये रिया और निफाक है अब जबान से एक बात कही दिल में वो मजमून नहीं है सिर्फ ख़ाम का खा अगले को धोखे में डालने के लिए तो ये रिया भी होगा निफाक भी होगा फरेब भी होगा लिहाजा ऐसी बात ना करे अगर ऐसा उनवान है तो खामोश है रहना बेहतर है बजाय इसके कि इंसान जो है खुश आमदाना अंदाज में जो है झूठ बोल के गलत बात कहे और इंद लल्ला जो है वो मसूल हो जाए ऐसा ना करे नंबर ग्यारह तखमीन जन यानी अंदाजे से किसी की मद और कदा ना करे कि ये झूठ और गुनाह है खुद गुमान ना करे कि फला बंदा कैसा है किसी की मद और तारीफ भी गुमान पे ना कर दे बल्कि पता हो कि वाकई काबिल तारीफ कोई बात है उसमें तो उसको बयान कर दे और अगर कोई ख़बर नहीं है तो सुनी सुनाई बात पर बुराई भी ना करे खाम खा उसकी को बुराई कर दी उस पर एतराज़ कर दिया ख़बर है नहीं आपको तो इसलिए ये भी झूठ होगा और जो वो बदगुमानी होगी और बदगुमानी आप जानते हैं कि खुद कुरान करीम में इस को वाजे कर दिया कि वो भी गुना है और उससे अल्लाह ने मना किया नंबर बारह किसी की नाजायज शिकायत हजब और जो गीबत ना करे किसी की नाजायज शिकायत भी ना करे उसकी बुराई बना करे और भी ना करे और गीबत भी ना करे और जाहिर है कि नाजायज तरीके से आप किसी के कोई भी उनवान को बयान करेंगे तो वो अल्लाह तबारक व ताल के यहाँ भी उसकी पूछ होगी और गुनाह भी है और दुनिया में भी उसका जो है वबाल पड़ता है नंबर तेरह बुरा कलमा कहकर दिल ना दुखाएँ कोई ऐसा कलमा ना कह दे कि उसका दिल दुख जाए सामने वाले का कोई दिल दुखाना ये अल्लाह तबारक व ताला को गवारा नहीं है हाँ दिल खुश नहीं कर सकते तो दिल दुखाएं भी ना है अगर नफ़ा नहीं किसी को पहुंचा सकते तो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाएं खामोश रहें तो इसलिए दिल दुखाने की बात ना करें नंबर चौदह फोश बदगोई से फितरों फसाद का सामान ना करे कोई ऐसा फोश बदगोई ना करे जिससे फितरों फसाद पैदा हो जाए नंबर पंद्रह लगव गोई और कसीर कलामी से समा खराशी ना करे यानी लगो बातें सुनने का शौक न पूरा करें लघो बात सुन रहा है या ये कसीर कलामी उसका जो है उससे जो अपने कानों को जो है गर्म ना करे ऐसी जो फूलियात के अंदर गोया करना पड़े नंबर सोलह फजूल और ग़ैर मुफीद बातचीत में वक्त ज़ाय ना करे फजूल और गैर मुफी बातचीत में वक्त जाया करना ज़ाहिर के वक्त भी अल्लाह तबारक वताल की बहुत बड़ी नेमत है इसलिए हदीस में फरमाया कि दो नियमतें ऐसी हैं कि जिसके बारे में इंसान धोखे में है एक वक्त की फुर्सत और दूसरी जिस्म की सेहत समझता है कि हमेशा हमेशा सेहतमंद रहूँगा समझता कि ये फ़ुरसत हमेशा रहेगी फरमाया कि धोखे में है लिहाजा ये धोखे से बचे कि भाई वक्त बहुत है चलो फजूलियात में लगाते रहे नहीं उस वक्त को अल्लाह के जिक्र में लगाएँ नंबर सत्रह किसी पर लान तह ना करे खा वो काफिर का जानवर ही क्यों ना हो यानी काफ़िर का जानवर हो उसको भी लान तह ना करें तो मुसलमान को लान तह करने की कहाँ गुंजाइश हो सकती है नंबर अठारह, बोहतान इफ्तरा ना बांधे, किसी पर तोमत ना लगाए बोहतान ना लगाए नंबर उन्नीस चोगली ना खाए नंबर बीस बुरे अलकाब या बुरे नाम से याद ना करे नंबर इक्कीस ना साहिब अदब की बेदबी ना करे साहेब अदब कुदब के काबिल शख्स उसकी बेअबी ना करे नंबर बाईस झूठी गवाही ना दे नंबर तेईस झूठी और गैरुल्ला की कसम ना खाए झूठी कसम ना खाए और गैरुल्ला की कसम ना खाए नंबर चौबीस तो, राग और गाना ना गाए राग गाना ऐसी गाने जो शैवानी कुतें से जब वो भड़कती हैं और ये दिमाग जो इंसान का फजूल नफसानी ख्वाहिशात बुरी ख्वाहिशात की तरफ जाता है ऐसे गाने ना गाए नंबर पच्चीस खाने को भी बुरा ना कहे यानी खाना सामने उसको भी बुरा ना कहे गोया के कि कलाम में इतनी एहतियात करे खाने को भी बुरा ना कहे पसंद नहीं आया तो पीछे हट जाए अगर पसंद आता है तो अगर साहिब खाना की दिलजोही की तारीफ के कलमात कह दे तो यह भी जो है वो मतलूब है नंबर छब्बीस ऐसी बात ना कहे कि जिसकी पाबंदी खुद ना करे खुद करता नहीं दूसरों को उसका पाबंद बनाने की कोशिश करता है ऐसी बात करने से एतराज़ करके करे, करे बल्कि अपने लिए अल्लाह से तोफीक मांगे नंबर सत्ताईस या जिससे कुफर शिरक व फिर को फजूर लाजिम आए ऐसी बात भी ना कहे फिस की बात फजूर की बात या इसी तरीके से गुनाह और शर की बात भी ना करे नंबर अट्ठाईस अपनी बड़ाई दिखाने के लिए लिसानी काफ़िया बंदी या तेज़ बयानी से भी बाज़ रहे बड़ाई दिखाने के लिए काफ़िया बंदी कर रहा है तेज़ लिसानी दिखा रहा है तो गुफ्तु के अंदर फसाद बलागत दिखा रहा है अपनी बड़ा दिखाने एक तो किसी मजून को अच्छे अंदाज से पेश करना मतलूब है इसलिए कर रहा है एक ये है कि अपनी बड़ाई के लोग मुझे समझे कि बड़ा ख़तीबी आज़म है तो ये ये करना जो है फरमाया कि ये भी मुनासिब नहीं है इससे भी एतराज़ करना चाहिए अल्लाह से दुआ कि अल्लाह तबारक वाली हमें तोफ़ीक़ा अता फरमाए कि हम अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल कर सकें आमीन या रबलारमीन